नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास दोस्तों आ चुके हैं यस बैंक की तरफ से और बजाज कंपनी की तरफ से क्रेडिट कार्ड। ये देखिए, मेरा नाम नंबर दोनों का सेम है। ये दोस्तों मैंने ओपन किया था तो उस गलत तरीके से रख गया पॉलिसी ना, ये देखो। तो दोस्तों मैंने यस बैंक का अप्लाई किया था और बजाज वालों ने खुद ही अपने तरफ से अप्लाई कर दिया मेरे पास कॉल कर करके। तो दोनों ही कार्ड मेरे पास एक साथ आ चुके हैं, जबकि मुझे जो बजाज वाला चाहिए नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये मेरे एड्रेस पर डिलीवर कर दिया, क्योंकि मुझे ये कंपनी का कार्ड पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बजाज का जो EMI कार्ड होता है वो मेरे पास ऑलरेडी है डिजिटल वाला। उन्होंने फिजिकल कार्ड भी बना दिया बस, जबकि दोस्तों मुझको इसकी कोई नीड नहीं थी। तो इसलिए दोस्तों ये दो कार्ड मेरे पास आ चुके हैं, और मेरे पास और ही बैंक का कार्ड है जिनकी ऑलरेडी वीडियो दोस्तों मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो पहले मैं ओपन करता हूँ अपने यस बैंक क्रेडिट कार्ड को, ये आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसमें हमें कितनी लिमिट मिली है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि लिमिट कम मिलती है, तो मैं आपको इसकी लिमिट दिखाऊंगा और कार्ड किस तरीके का होता है और कौन सा कार्ड है मेरे पास, सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों तो एक मिनट में आपको ये इसको ओपन कर लूँ। तो कुछ इस तरीके का इस निकलता है इसके अंदर, और इसमें कुछ भी नहीं है, खाली हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसकी लिमिट। तो दोस्तों देखिए, ये तो कुछ पेपर वगैरह हैं, इनमें इस कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है, कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, यानी मतलब इसको सेटअप कर सकते हो, और एप्लीकेशन कौन सी इसको यूज कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के लिए अपने फ़ोन में। तो जिस मैं रखता हूँ नीचे, तो देखिए दोस्तों जी है मेरा एड्रेस वगैरह, और यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊपर कार्ड नंबर है, और जी है दोस्तों मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो कि है दोस्तों 1,47,000। अब इस कार्ड से मैं अगर कैश निकालना चाहता हूँ तो 44,100 रुपये तक मैं इसको इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से, इस बैंक से मतलब ATM से निकाल सकता हूँ। बट आपको पता है कि अगर कैश निकालते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो अब मैं आपको दोस्तों ये कार्ड दिखा दिया इसकी लिमिट, सॉरी दोस्तों इसमें आपको मैंने लिमिट वगैरह दिखा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कार्ड कार्ड हमें किस तरीके का मिलता है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का कार्ड हमें मिलता है, ये देखिए इसमें मेरा नाम डाला हुआ है राजेश राठौर और यस बैंक। इस कार्ड का नाम है फाइन बूस्टर। जी दोस्तों मैंने बनवाया है बैंक बाज़ार की तरफ से, बैंक बाज़ार जो होती है दोस्तों एक कंपनी है, तो उन्हीं की तरफ से मेरे पास दोस्तों कॉल आया था। मैंने कोई अप्लाई नहीं किया कार्ड, तो मेरी सिविल वगैरह अच्छी है, तो इस वजह से मेरे पास उनका कॉल आया कि सर आपके लिए एक अप्रूव्ड है इस कार्ड के लिए। तो मैंने सोशल दोस्तों बनवा लेते हैं, तो मैंने जस्ट अप्लाई किया, उनके जो उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे वो मैंने उनको दिए, और 3 से 4 दिन के अंदर मेरे पास कार्ड आ गया। कोई भी KYC दोस्तों मैंने सिर्फ अपनी जो KYC होती है पैन कार्ड की वो करवाई, उसके बाद दोस्तों उसके जो भी है दोस्तों उसके बाद में जैसे कि वो होता है वेरीफिकेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा कार्ड मेरे एड्रेस पर डिलीवर हो चुका है, और मैंने आपको इसकी लिमिट भी दिखा दी है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखिए। तो जो कार्ड है दोस्तों यस बैंक का, जिसमें आपको अच्छी खासी लिमिट मिलती है, तो मैंने दोस्तों इसे बनवा लिया। और सबसे दोस्तों अच्छी बात इसकी क्या है कि इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ही इसकी एनुअल फीस है और ना ही इसकी ज्वाइनिंग फीस है। जैसे कि आप कार्ड बनवाते हो तो उसकी फ़ीस लगती है, या फिर कार्ड यूज करते हो तो सालाना उसकी जो फीस लगती है, इसमें कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना आप इसे शॉपिंग करोगे उतना ही आपको पेमेंट करना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसलिए मैंने इसको बनवाया। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ बजाज वाला DVS कंपनी की तरफ से जो है जो बजाज का कार्ड है ये, क्योंकि दोनों ही कार्ड दोस्तों मेरे पास एक साथ आए हैं। इसको तो मैंने दोस्तों ओपन भी करके नहीं देखा, ये जस्ट मैं आपको सामने ही ओपन करूँगा, क्योंकि मुझे इस कार्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आ चुका है तो सोचा चलो इसको भी आपको दिखा देते हैं। क्योंकि बजाज का दोस्तों जो आपको पता ही है, बजाज कंपनी जो होती है वो उल्टे सीधे चार्जेस लगाती है, और ना ही इस बजाज कार्ड से दोस्तों आपको कोई भी डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो,
जैसे बैंक HDFC होती है, एक्सिस वगैरह होती है, इन पे आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं 5% 4% जो भी होता है। लेकिन बजाज कार्ड पर दोस्तों कोई भी डिस्काउंट नहीं है। इस वजह से दोस्तों मुझे ये कार्ड पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी कंपनी वालों ने पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती मेरा कार्ड बना दिया। और इस कार्ड की सबसे एक बुरी बात क्या है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना, क्योंकि इस कार्ड में दिक्कत क्या है जिसकी वजह से दोस्तों मेरे कार्ड बेकार लग रहा है बिल्कुल भी। भले ही मेरे पास कोई कार्ड नहीं होते, फिर भी दोस्तों इस कार्ड को मैं यूज नहीं करता, ना ही सेटअप करूँगा, क्योंकि सेटअप करते ही दोस्तों ये ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगा, पहले दिखाता हूँ उसकी अनबॉक्सिंग कैसे क्या क्या मिलता है। कुछ भी नहीं है इसके अलावा, ये पेपर वगैरह तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लिमिट भी मैं दोस्तों ज़्यादा नहीं मिली है, और वैसे ही दोस्तों मुझे इसकी लिमिट की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। देखिए इस कार्ड की लिमिट मिली है दोस्तों सिर्फ मुझे 35,000 रुपये, जबकि इस कार्ड से मुझे कोई मतलब ही नहीं है इतना। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इस कार्ड को मतलब सेटअप वगैरह करने के लिए ये सब आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे आप कार्ड को कंट्रोल कर सकते हो और क्या क्या इसमें आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। ये कुछ पेपर वगैरह हैं जिसमें आपको इसमें जानकारी दी गई है, DBS बैंक क्रेडिट कार्ड डिक्लेरेशन एंड कंस्टेंस। चलिए मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू द सुपर लाइफ। तो ऐसा कैसे लाइफ सुपर होगी ये तो दोस्तों मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आपको अगर पता हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना इस कार्ड से कैसे सुपर लाइफ हो सकती है, ये तो मुझे भी नहीं पता दोस्तों। हाँ दोस्तों, सेटअप कैसे करना है, जैसे आप यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको ये कार्ड बनवाना है या फिर आपने ऑलरेडी बनवा लिया है तो। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कार्ड, तो दोस्तों कार्ड कुछ इस तरीके का है, DBS का बजाज फाइनेंस वीजा कार्ड है, सुपर कार्ड। पीछे दोस्तों मैंने लगा दिया क्योंकि इस पर इस कार्ड के नंबर वगैरह पड़े हुए हैं, तो मैंने सिक्योरिटी के लिए इस पर लगा दिया है। और दोस्तों देखिए आधे नंबर में आपको शो हो रहे हैं, ये मेरा इसका राजेश राठौर नाम मेरे कार्ड का। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्ड क्यों बेकार है। सबसे पहले दोस्तों ये कोई बैंक नहीं है कि आप इसको दोस्तों इसका जो पेमेंट वगैरह है, अगर आपने इसका पेमेंट ऑनलाइन आप नहीं कर पा रहे हो अपने किसी बैंक से, तो आपको दोस्तों इसकी ऑफिस में जाना पड़ेगा जो बजाज की ऑफिस होती है। और ज़रूरी नहीं है दोस्तों वो ऑफिस आपके घर के आसपास हो, जहाँ भी दोस्तों होगी वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा बैंक के जो कार्ड होते हैं किसी भी बैंक का, उसकी हर ब्रांच दोस्तों आपके घर के आसपास मिल जाएगी, बट बजाज का ऐसा कोई भी नहीं है। आपको बजाज के ऑफिस जाना पड़ेगा, अगर आपका पेमेंट ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो आपको इसके ऑफिस जाना पड़ेगा, और आपने लेट किया तो उल्टे सीधे चार्जेस आपके पेमेंट पर लग जाते हैं। एक दोस्तों इसकी ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत दोस्तों ये है कि जब भी आप बजाज ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलती है, क्योंकि वहाँ पर लोग काफ़ी परेशान होकर आते हैं। और वहाँ मैंने कई बार देखा है कि बजाज के ऑफिस में किसी न किसी का इशू रहता ही है, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। अब तीसरी दिक्कत दोस्तों इसकी ये है कि ये जो कार्ड है ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पर नहीं मिला। इसकी जो फीस होती है जॉइनिंग फीस वो तो दोस्तों नहीं है, बट जो यूजिंग के लिए कार्ड जो सालाना फीस लगती है वो दोस्तों इसकी दोस्तों 1,000 प्लस GST। तो दोस्तों काय के लिए इतना महंगा कार्ड बनवाया कि आपको सालाना 1,000 से ऊपर GST मिला के 1,000 से ऊपर पड़ता है वो आपको पेमेंट करना पड़े, जो भी सिर्फ बजाज कार्ड के लिए। हाँ दोस्तों, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होता और कार्ड की तरह तो अच्छा भी होता, चलो क्या चलो कोई पैसा देना ही पड़ता है, यूज़ कर लेंगे नहीं तो लगा रहेगा। अब आपको इसका चार्जेस भी देना है, तो इससे बढ़िया है कि आप किसी ऐसी बैंक का कार्ड बनवाओ जिसमें दोस्तों आपको चार्जेस ना लगें। बट मेरा कार्ड दोस्तों बन गया, मैंने मना किया फिर भी उन्होंने एड्रेस का डिलीवर कर दिया, तो मैं इसको सिर्फ ब्लॉक करवा दूंगा। अभी मैंने सेटअप तो किया नहीं है, ना ही सेटअप करूँगा। तो कुछ जिस तरीके का कार्ड मिलता है वो मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों यही था बस इस इन कार्ड के बारे में। यस बैंक का कार्ड दोस्तों अच्छी खासी लिमिट मिली है, और
काफ़ी अच्छा कार्ड है एस बी आई के दोस्तों, आपको ऑफर मिलते रहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह, और बैंक भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। आप उसका पेमेंट करना चाहते हो, उसका जो आपको कोई पेमेंट आ चुका है, बिल आ चुका है, तो आप उसकी ब्रांच में जाकर ही पेमेंट कर सकते हो। उसकी ब्रांच आपके घर के आसपास ज़रूर मिल जाएगी, बट बजाज में ऐसा आपके घर के आसपास भी ब्रांच है या नहीं है ये दोस्तों मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बजाज के जो ऑफिस होते हैं आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, शहर में एक ही होता है, तो किसी के घर के पास होता है तो किसी के घर से काफ़ी दूर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आपको और किस कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए, कौन सा कार्ड आपको अच्छा लगता है, किस कार्ड के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो कार्ड मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर उसकी वीडियो बनाऊंगा, और नहीं होगा तो उस कार्ड को अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।